सन 1992 में संतोष दुबे शिवसेना का फैजाबाद में अध्यक्ष था और अभी भी उसी पद पर है। कोबरा पोस्ट रिपोर्टर से बातचीत के दौरान संतोष दुबे बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने इस काम के लिए उसे लाल कृष्ण आडवाणी से मिलवाया था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी बाबरी मस्जिद की घटना के समय उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या सन 1998 में कर दी गई थी। संतोष दुबे बाबरी मस्जिद को गिराने में मदद करने वाली कुछ कड़ियों को खुफिया कैमरे पर जोड़ता नजर आया। अडवाणी जी तो यहाँ जानकी महल ट्रस्ट में गए, यहाँ हनुमान बाग में मीटिंग कराए थे, उसमें हम लोग बुलाया गया था। जानकी महल ट्रस्ट में और हनुमान बाग में? हाँ, हनुमान बाग में। कौन कौन था उस मीटिंग में? अरे उसमें करीब 500 लोग थे बैठे, जाके प्रमुख हनुमान सब लोग थे। हनुमान बाग में? हनुमान बाग 500 लोगों की मीटिंग थी। हाँ, प्रमुख लोगों के नाम जो बीजेपी के हों? बीजेपी के उसमें ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे। भाजपा के लल्लू सिंह, विनय कटियार, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर ज्योति, उमा भारती, संघ के सिंगल जी, महेश नारायण जी, पुरुषोत्तम नारायण सिंह, परमहंस रामचंद्र दास, नृत्य गोपाल दास, महंत वैद्यनाथ, यानी कि सभी हिंदू नेता उसमें थे। क्या हुआ डिस्कस, क्या 500 लोगों का क्या वार्तालाप? ये तय हॉल ढांचा ढाया जाएगा। किसने कहा आपसे, मतलब क्या मीटिंग में सब लोगों ने तय किया ढांचा तोड़ा जाना? मतलब एक पब्लिक मीटिंग टाइप की थी कि केवल गुप्त मीटिंग टाइप का? गुप्त मीटिंग। कैसे काम की थी, मतलब एक प्लान टाइप का प्लान बनाया? प्लान बनाया गया कैसे तोड़ा जाएगा, सब ढांचा ढाया जाएगा। बोले थे कौन कौन? आडवाणी जी, जो खास खास लोग, आडवाणी जोशी, तम्बरा जी भी थी, वो भी बोली थी, उमा भारती बोली थी। क्या बोले? इतना तो याद नहीं है, पर इतना है खास खास तो एक निचोड़ नहीं सकता। हाँ, निचोड़ ये कि ढांचे को 6 दिसंबर को तोड़ना नहीं है हर हाल में, ये गुलामी का प्रतीक है, इसे तोड़ देने में ही इच्छा है। हमारी सरकार रहे या जाए, हम अगर हमारी ये सरकार जाएगी तो केंद्र में हमारी सरकार बन जाएगी। प्लानिंग हुई, भाषण बाजी हुई, बोले लोग बम के ऊपर से, अंदर क्या था वो समझ नहीं आ रहा। की मीटिंग होगी 3 या 4 तारीख को, 3 या 4 दिसंबर। कब की बात है ये? 92 दिसंबर नहीं, 92 का तो है टाइम। टाइम कितने बजे? 7-8 बजे या 10 बजे ऐसे ही रहा होगा? नहीं 10 नहीं, 7-8, 5-6 बजे के बाद। उसके बाद मीटिंग कितनी देर तक चली, क्या क्या हुआ? 2-3 घंटे। अच्छा, तो पर्सनली आपसे मुलाकात हुई आडवाणी जी की, या और किसी की भी कुछ? हाँ, मैं गया वहाँ, ब्रह्मदत्त जी ने परिचय कराया, उनके लिए आपसे बात हुई थी, यही संतोष दुबे हैं, हमने उनको पैर छुए, सम्मान पूर्वक, शास्त्री जी, मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, सब कुछ साथ बैठे बैठाया गया। ढांचा कैसे टूटेगा हमने कहा, बताई कोई ऐसे टूटेंगे कागज ना तो पानी तैरा दें, उन्होंने कहा क्या चाहिए, हम
अगर होता है तो चाहे गाँव उपलब्ध हो जाएगा, ब्रह्मदत्त जी भी आ जाएंगे। ब्रह्मदत्त जी ने उपलब्ध कराया, ब्रह्मदत्त जी ने इनका उपलब्ध कराया या कांग्रेसियों को उपलब्ध कराया ये तो हो जाएगा। लेकिन वो डबल गेम में थे, वो भी रोल उनका भी डबल था। संतोष दुबे ने बताया कि 6 दिसंबर 1992 के पहले इस योजना से जुड़े सभी नेताओं की एक गुप्त मीटिंग हुई थी। संतोष दुबे ने कहा कि इस मीटिंग में ब्रह्मदत्त द्विवेदी, लालू सिंह, विनय कटियार, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल, महेश नारायण, पुरुषोत्तम नारायण सिंह, परमहंस रामचंद्र, नृत्य गोपाल दास और महंत अवैधनाथ शामिल थे। इसके अनुसार आडवाणी, जोशी, रितंबरा भी थी, वो भी बोली थी, उमा भारती बोली थी यही कि ढांचे को 6 दिसंबर को तोड़ना ही है, हर हाल में। गुलामी का प्रतीक है, इसे तोड़ देने में ही हित है। संतोष दुबे आगे ये भी बताता है कि जिस आडवाणी को हिंदुओं का भगवान माना जाता था वही अब झूठ बोल रहा है। जो उन्होंने कहना शुरू किया 6 दिसंबर मेरे जीवन का काला दिन है, ये अभी बोला उन्होंने, अभी बोला, अभी हमारे पास अखबार भी रखा। एक तरफ आप कुछ कह रहे हैं, एक तरफ कुछ कह रहे हैं, सही बात बोली है। जिसको इस देश का हिंदू भगवान मान रहा हो जब वही झूठ बोलने लग जाएगा तो लोग उसको शैतान मानने में भी बहुत देर नहीं। आडवाणी झटके आते हैं, उन्होंने जिन्ना को बहुमान बताया, गंदा आदमी, ढांचा तोड़ने में तोड़वाने में उनकी पूरी सहमति है। कैसे कि जगह जगह उन्होंने जुलूस निकाला, सभाएं की, हर जगह बोलते थे आपने तोड़ा है, नहीं तोड़ा, लेकिन आपने ललकारा तो, तोड़ने वाले तो तैयार किए। अब भी जिसकी भोजन फड़की, खून नखौला पीने का, भारत माँ का लाल न होगा, होगा किसी कमीने का, जो राम काज में पिछड़ा है मर्द नहीं कोई हिजड़ा है, ये नारे किसने दिए? संतोष दुबे आडवाणी की कड़ी आलोचना करते हुए कहता है जिसको इस देश का हिंदू भगवान मान रहा हो आडवाणी झूठे आदमी हैं, ढांचा तोड़ने में तोड़वाने में उनकी पूरी सहमति है। संतोष दुबे हनुमान बाग की मीटिंग से एक दिन पहले जानकी महल की मीटिंग के बारे में भी जानकारी देता है। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल और विष्णु हरि डालमिया मौजूद थे। अयोध्या मंदिर और राम मंदिर, उसकी चर्चा के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनसंघ ने यह स्थान प्राप्त किया है। मैं उनको कहता हूँ हाँ, बराबर किया है। हम इस पर गर्व करते हैं कि हमारा आंदोलन केवल मात्र राजनीतिक आंदोलन नहीं है। अच्छा, दो मीटिंगें आपने बताई, एक जानकी महल वाली है छूट गई, हनुमान बाग वाली बताई आपने, जानकी महल वाली। जानकी महल में अति गोपनीय बैठक कब हुई, जानकी महल वाली? ये उसके एक दिन पहले हुई, मतलब 2 दिसंबर के आसपास, जिसमें हम लोग नहीं जा पाए। अच्छा, कौन कौन था इसमें? ये लोग थे, सिंगल सिंगल टाइप के लोग थे, अशोक सिंगल, विष्णु हरि डालमिया, ये लोग विश्व हिंदू परिषद वाले हैं और भाजपा के कुछ बैठक में शामिल थे। कोबरा पोस्ट रिपोर्टर संतोष दुबे से बाबरी मस्जिद गिराने में उनके योगदान के बारे में पुष्टि करने के लिए दोबारा मिला। इस बार भी संतोष दुबे ने वही सब बातें दोहराई जो पहली मुलाकात में बताया था। संतोष दुबे हनुमान बाग और जानकी महल में हुई महत्वपूर्ण मीटिंग और उन हथियारों के बारे में भी बताता है जिसे बाबरी मस्जिद गिराने में उपयोग करना था। जानकी महल हनुमान बाग में जी। हनुमान बाग, जानकी महल, जानकी महल के निकट। अच्छा,
अयोध्या में ही है ये, उसमें मुरली मनोहर जोशी और सभी लोग, अशोक सिंघल वगैरह सभी शामिल थे उसमें। उस बैठक में रामचंद्र परमहंस जी वगैरह आए थे, अयोध्या के भी साधु संत थे सब। उसी में हमको ब्रह्मदत्त द्विवेदी ले गए थे मिलाने के लिए। अच्छा। उसी बैठक में हम और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, हमारे साथ और भी लोग गए थे। वहां उन्होंने परिचय कराया अडवाणी जी से, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने। ब्रह्मदत्त जी ने कहा कि ये संतोष दुबे हैं, शिवसेना के नेता हैं, जिनकी आपसे चर्चा हुई थी। मैंने कहा बहुत स्वाभाविक है, आदमी संस्कार वस्त करती है। अडवाणी जी बड़े प्रभावित थे, गले लगाया उन्होंने। उन्होंने कहा कि जो हमसे चाहते हैं वो बताइए, हम करते हैं, काम होना चाहिए। ठीक, ढांचा गिर जाएगा। हमने कहा बिल्कुल गिर जाएगा। कैसे गिरेगा? हमने कहा यही तो कागज पुड़िया तो है नहीं, खोल लेंगे। आप बताइए कि आप हमारा क्या, बोले क्या चाहते हैं। तो हमने बताया उनसे, सामने वो देख लिया, कल आए थे ना, तो उन्होंने सब बताया। हमारी उनकी वार्ता हुई, जो जो हमने कहा उन्होंने सब उपलब्ध करवाया। और हम वहां से एक घंटे रहे बैठक में। क्या क्या उपलब्ध कराया हमको? गैंती, तलवारें और त्रिशूल, लगभग 5,000 की संख्या में उपलब्ध कराया गया। चंदन है, लक्ष्मण सिंह एक ड्राइवर था, उसका अब तक पता नहीं चल रहा है, वही लाद करके सब लाया था। ये लक्ष्मण सिंह किसका ड्राइवर था? गाड़ी वाड़ी चलाता था अयोध्या में। हाँ, उसने कहा मैं लक्ष्मण सिंह हूँ, मुझे भेजा गया तो सामान आपने मंगवाया था, वही आया है। तो मुझे वो मिला, देवराम दास वेदांती के हैं, राम विलास वेदांती पुरुषांश से। अच्छा। जिसके यहाँ हम मिले देवराम दास वेदांती है, वहाँ लाया और सामान पहुँचाया। 5 तारीख को ही हम लोग वहाँ पहुँचे थे। हम लोग वहाँ रुके थे रात में। कौन कौन था आपके आपके साथ में? 5,000 की संख्या में लोग थे हमारे साथ। रुकने की जगह थी? रुकने की जगह बहुत बड़ा हाल है उनके यहाँ भैया। कहाँ पर? बड़ा हाल अयोध्या में कोई नहीं है, वेदांती आश्रम मंदिर। अच्छा, अयोध्या में ही। फिर क्या प्लानिंग हुई? फिर प्लानिंग ये थी कि रात में हम लोग मीटिंग करते रहे, भोजन पानी सब करने के बाद भी सब जागते रहे कि सुबह ढांचा ढहाना है। हर हाल में एक उद्देश्य है, ग्रुप बनाया गया 60-70 लोगों का, 100 लोगों का। और ये रखा गया कि ठीक 10:15 अटैक किया जाएगा। दूसरी तरफ जरा देश का आदर, जरा देश है, मंदिर बनना चाहिए और नई दिल्ली में बैठे हुए शासक इस काम को समझे। संतोष दुबे उस समय की कहानी को बहुत ही गर्व से बताता है। संतोष दुबे आडवाणी के रोल के बारे में भी बताता है कि किस तरह से आडवाणी ने मीटिंग में लोगों को भगवान के नाम पर उत्तेजित किया था। दुबे के अनुसार उन्होंने ललकारा, ये गुलामी का टीका है जो माथे पर लगा है, इसे धुलने का समय आ गया है। क्या बोले, कुछ याद है आपको? आडवाणी जी ने तो कहा कि बहुत थोड़ा बहुत याद है भाई, 21-20 साल की बातें हो गई। हाँ, जो याद हो। उन्होंने ललकारा एक गुलामी का टीका है जो माथे पर लगा है, इसे धुलने का समय आ गया है, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इसके लिए हमारे, उन्होंने हमारा नाम भी लिया अपने संबोधन में, हमारे बीच में तोड़ने वाले अभी उपलब्ध हैं, सारी चीजें हैं और सब कुछ होगा, बस आप लोग तैयार रहिए, हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए आप तैयार रहिए। ये तो अडवाणी जी ने, और किसी ने, और कोई नेता? अब हम लोगों ने दरअसल क्या है कि
अडवाणी जी की बात सुने, परमहंस जी भी बोले थे, इन्हीं दो लोगों की बात सुने, इसके बाद हम लोग बाहर चले आए। अडवाणी भी थोड़ी चाह रहे थे ढांचा ढह जाए, क्योंकि वो बोल भले रहे थे, असल में उसकी मेन कड़ी ढांचा तोड़वाने में ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे, जिनका पीवी नरसिम्हा राव संबंध था। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव से मुझे भी मिलवाया था, तो सारा खेल तो उनका था। ये सारे लोगों को खबर थी नहीं कि ये सब होने क्या जा रहा है। उसमें एक आदमी और है, कुप्शी सुदर्शन, सुदर्शन जी को भी जानकारी थी ढांचा की। अच्छा, सुदर्शन ये जो आरएसएस के हैं? हाँ, आरएसएस, इनको पता था। ये मीटिंग में थे? हाँ बिल्कुल थे। अच्छा, मीटिंग में सबसे ज्यादा कौन बोला और खूब? परमहंस रामचंद्र दास बोले। अच्छा, करीब आधा घंटा से ऊपर। अच्छा, जो नारे लगाए थे वो किसने किसने लगाए? कहाँ? जो वहीं पे, जो जहाँ से ये मतलब जहाँ से भाषणबाजी हो रही थी, रामकथा। हाँ, रामकथा मंच में। हाँ, हमारा वो सबसे पहले। ये सामान रखा कहाँ था? बताया तो आपको, वहीं वहीं। अच्छा, वहीं से ले गए फिर आप लोग उसी दिन? वेदांति आश्रम, राम घाट, अयोध्या।